देखिए, सबसे पहला काम तो मैं KMC स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बदलूंगा और कम्युनिटी हॉल बनाऊंगा। देखिए आप, इसके ऊपर में मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। फंड आ रहा है, कहाँ चला जा रहा है, उसको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है, इस वजह से नहीं बन रहा है। बाकी सारे तमाम वार्डों में कम्युनिटी हॉल है, तो एक क्या वजह है इसका? देखिए, आज सिटिंग काउंसलर जो है, आज उनका वर्क कैसा रहा, ये आपका सवाल है। ये आप रिपोर्टर है, आप खुद घर घर जाकर एक बार पूछ सकते हैं कि मैं अगर बोलूँगा तो मैं तो उनका ओपोनेंट हूँ, अगर मैं बोलूँगा तो लोग ये भी कह सकते हैं कि झूठ बोल रहा है जीतने के लिए। आप सर्वे कर सकते हैं, आप रिपोर्टर है, आप सर्वे करें, घर घर जाएँ, एक भी काम हुआ होगा अगर हमारे वार्ड का तो फिर कोई दिक्कत नहीं था। देखिए, ये तो वही मैंने बताया ना, तो ये पार्टी से नाराजगी होगी या ऐसा भी हो सकता है कि देखिए वार्ड के जितने भी लीडर रहते हैं वो कन्वर्ट होते हैं, आपसे भी नाराजगी हो सकती है, ये भी तो हो सकता है। पता नहीं, देखिए मेरे तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं रहा, हमेशा बड़े बुजुर्ग की तरह हमेशा मैंने इज्जत दिया है सभी को। जो भी पार्टी अगले बार भी छोड़ें या आज भी छोड़ें तो उनको मैं इज्जत देता रहा हूँ, और आने वाला कल भी अगर मेरी मुलाकात हुई उनसे तो मैं इज्जत नवाजूंगा उनको इंशाअल्लाह ताला। हर कोई डेवलपमेंट का बात कर रहा है, चाहे वो कम्युनिटी हॉल का हो, स्पेशली कम्युनिटी हॉल और एजुकेशन पर आप लोग फोकस करने की बात कर रहे हैं। हालांकि पिछले 15 साल से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाटर लॉगिंग का, इसके बारे में किसी को बात करते हो? नहीं, देखिए आपने शायद मेरा कोई भी तकरीर नहीं सुना होगा मंच पे। मैं सबसे पहले यही बात कर रहा हूँ वाटर लॉगिंग का। देखिए, हर वार्ड में सक्शन मशीन है जो अगर ड्रेनेज का वाटर लॉग हो जाता है तो वहाँ से जो कचरा है निकाल कर दूसरे जगह फेंक कर वो पानी क्लियर करता है, बट हमारे वार्ड में वो सक्शन मशीन नहीं है, तो ये हमारी वार्ड की बदकिस्मती है। आपके ओपोजिशन आपको जो है बार बार एलिगेशन लगा रहे हैं अपने हर स्ट्रीट कॉर्नर में, ये आपका नेचर के ऊपर, कि रात भर आप जगे रहते हैं, बाहर घूमते हैं, तो वो दिन भर क्या काम करेगा? तो रात भर मैं उनके घर में जाकर जागा रहता हूँ, ये या फिर वो जागे रहते हैं मुझे देखने के लिए, ये नहीं पता मुझे।